बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमारा फोकस है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पर। चूँकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा सिंपल होता है, इसलिए हमने स्टार्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को कहते हैं जो वाइब्रेशन के दौरान हुक्स लॉ को फॉलो करता हो। इसके बाद हमने डिस्कस किया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ एन हार्मोनिक ओसिलेटर। एन हार्मोनिक ओसिलेटर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और अब हम डिस्कस करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एज वाइब्रोटर। वाइब्रोटर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली होती हैं। इसलिए हमारा आज का टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स ये स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं डाई एटॉमिक वाइब्रोटर। तो जिन मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली होती है उन्हें कहते हैं वाइब्रेटिंग रोटेटर और वाइब्रेटिंग रोटर और वाइब्रोटर। द मॉलिक्यूल परफॉर्मिंग रोटेशन एंड वाइब्रेशन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड वाइब्रोटर और वाइब्रेटिंग रोटेटर। अगर सिर्फ रोटेशन हो तो उसे हम कहते हैं रोटेटर या रोटर, और अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ वाइब्रेशन हो तो उसे कहते हैं वाइब्रेटर, और अगर वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही हों तो फिर उसे कहते हैं वाइब्रोटर। तो डाई एटॉमिक वाइब्रेटर को आज हमने डिस्कस करना है। तो टिपिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। यानी अगर हम रोटेशनल एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में देखें तो कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल में एनर्जी की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर इन्वर्स है। और अगर आप इसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की सेपरेशन को देखें तो दैट इज 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स। दो कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल में एनर्जी की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर इन्वर्स है, और दो कंजेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में एनर्जी की सेपरेशन 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स है। इट मीन जब वाइब्रेशन होती है तो इस दौरान मॉलिक्यूल रोटेट भी हो जाता है, क्योंकि रोटेशन के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइब्रेशन। अब हम रियलिटी के एक स्टेप और करीब आ गए कि अब हमने वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों को एट द सेम टाइम कंसीडर कर लिया, लेकिन स्टिल एक अप्रॉक्सीमेशन हमने लगाई है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमूव कर देंगे। यह है बॉर्न ओपन हैमर अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि रोटेशन और वाइब्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन अ मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म रोटेशन एंड वाइब्रेशन इंडिपेंडेंटली। इट मीन टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटर इज द सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, और एनर्जी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जौल। इसी एनर्जी को अगर हम वेव नंबर में कन्वर्ट कर लें तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर विल बी गिवन लाइक दिस। अगेन इट विल बी द सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, और वेव नंबर की यूनिट हम ले रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स। अब ज़रा स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे और इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे वाइब्रोटर की। सबसे पहले रोटेशनल एनर्जी रिजिड रोटर की इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। रिजिड रोटर की वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी के लिए ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है। इसमें बी रोटेशनल कांस्टेंट है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप रोटेटिंग मॉलिक्यूल को अगर हम रियलिटी के करीब आए तो मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं उनके बॉन्ड फिक्स नहीं रहते। अगर तो रोटेशन के दौरान दोनों
एटम अपनी पोजीशन पे फिक्स रहें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट ना हो, देन उस रोटेटिंग मॉलिक्यूल को कहेंगे रिजिड रोटर। और अगर रोटेशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपना असर दिखाए तो मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, इट मीन वाइब्रेशन के दौरान रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था वाइब्रेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती, चाहे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में हो, वाइब्रेशन नेवर सीजेस। तो रोटेशन के दौरान टू सम एक्सटेंट वाइब्रेशन भी होगी, उस वाइब्रेशन को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो फिर रूटर को हम कहेंगे नॉन रिजिड रूटर। इसमें अब हमने ये जो फैक्टर ऐड किया है ये डिस्टॉर्शन के लिए है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो डी फॉर डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। अब देखें जो मॉलिक्यूल में अगर वाइब्रेशन हो रही हो और इस वाइब्रेशन में वो हुक्स लॉ को फॉलो करें तो उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन है, हेयर वी फॉर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ओमेगा बार फॉर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन इन रियलिटी मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होते और हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दे डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी की ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब आप इन सब बातों को कंबाइन कर लें कि मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रूटर है और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब हम रियलिटी के और करीब आ गए, हमने मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रूटर भी कंसीडर कर लिया और उसे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कंसीडर कर लिया। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन हम अब भी लगा रहे हैं, वो ये कि हम बॉर्नहैमर अप्रॉक्सीमेशन को कंसीडर करते हुए ये सपोज कर रहे हैं कि रोटेशन और वाइब्रेशन इंडिपेंडेंट है, लिहाजा टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी द सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी नॉन रिजिड रोटर की, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। तो रोटेशनल एनर्जी को हमने ब्लैक में लिख लिया, वाइब्रेशनल एनर्जी को और उसकी वैल्यू को रेड में लिख लिया। वैसे तो जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसकी बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो डी है ये डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है। तो ज़रा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए अगर हम डी को इग्नोर कर दें, इफ़ वी टेक डी इक्वल टू ज़ीरो, तो इस इक्वेशन नंबर 5 में से ये फैक्टर रिमूव हो जाएगा। अब इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, इसमें ये जो ब्लैक फैक्टर है ये रोटेशन के लिए और रेड फैक्टर वाइब्रेशन के लिए। नाउ इट इज़ इक्वेशन नंबर 6। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, ये वाइब्रेशनल लेवल V0 यानी कि ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, जिसमें वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। इस वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल हैं और रोटेशनल लेवल का एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा जो जो रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से 7 तक फॉर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल वेयर वी इज़ 0, और ये अपर वाइब्रेशनल लेवल है, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, जहाँ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। और इसके अंदर भी डिफरेंट वाइब्रेशनल, इस वाइब्रेशनल लेवल में भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स हैं जिनके रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से 7 तक हमने लिखी हुई है। तो लोअर वाइब्रेशनल लेवल में मौजूद रोटेशनल लेवल्स के क्वांटम नंबर को हमने जे डबल प्राइम से शो किया हुआ है, और हायर वाइब्रेशनल लेवल में मौजूद रोटेशनल लेवल के रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने जे प्राइम से शो किया है। ये आगे हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप में भी देखेंगे। इसी डायग्राम को यूं भी देख लें, ये ग्राउंड स्टेट
वाइब्रेशनल लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, और हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स हैं। इन फिगर से हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल दिखाए गए हैं। ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल का वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है और फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 है। ये देखें, ये ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल है, इसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0, और ये फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल है, इसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1। अब एक चीज़ हम और सपोज कर लेंगे ज़रा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, कि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे मॉलिक्यूल किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के किसी भी रोटेशनल लेवल में चला जाए, यानी उसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की या रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ भी हो, रोटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। रोटेशनल कांस्टेंट उस वक्त तक कांस्टेंट होता है जब तक आप रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, यानी फॉर अ गिवन रोटेशनल लेवल रोटेशनल कांस्टेंट इज कांस्टेंट, लेकिन जब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होती है, जब मॉलिक्यूल अपने रोटेशनल लेवल को चेंज करता है, तो फिर रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो रोटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के किसी भी रोटेशनल लेवल में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहे। लेकिन यहाँ पर हम ये सपोज करेंगे कि मॉलिक्यूल चाहे जिस वाइब्रेशनल लेवल के जिस मर्जी रोटेशनल लेवल में चला जाए, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी या कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल कांस्टेंट विल हैव सेम वैल्यू, इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब देखें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिमिलर रोटेशनल लेवल इज सेम फॉर ऑल वाइब्रेशनल लेवल। ये बात भी हमने सपोज कर ली कि मॉलिक्यूल किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में हो, उसके कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल में एनर्जी गैप सेम होगा। रियलिटी में तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमने ये सपोज कर लिया कि मॉलिक्यूल लेट सपोज ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है, उसमें J1 और J2 में जो एनर्जी का गैप है, वही एनर्जी गैप J1 और J2 का फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी होगा, और वही गैप J1 और J2 का सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी होगा, और यही गैप एनर्जी लेवल का थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी होगा। यानी किसी भी दो कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल का एनर्जी गैप किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में सेम रहेगा। आइदर यू आर इन ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, आर यू आर इन फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, आर यू आर इन सेकेंड आर थर्ड आर फोर्थ एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, इन ऑल केसेस इनर्जी गैप बिटवीन कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल विल बी सेम। J1 और J2 का गैप, या J0 और J1 का गैप, या J2 और J3 का गैप, या J3 और J4 का गैप, या J4 और J5 का गैप, जितना ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में ये गैप हैं एनर्जी के रोटेशनल एनर्जी के, यही रोटेशनल एनर्जी के गैप बिटवीन कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल विल बी इन फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल के एनर्जी गैप यही होंगे, और सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी रोटेशनल कंजेक्टिव रोटेशनल लेवल के एनर्जी गैप सेम होंगे, एंड सो ऑन। तो सिलेक्शन रूल रोटर के लिए, चूंकि अब वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही हो रही है, तो रोटेशन के लिए
सिलेक्शन रूल डेल्टा जे प्लस माइनस वन, यानी मालिक्यूल अपने एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर जाएगा या एक स्टेप नीचे आ सकता है। अगर मालिक्यूल एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से वन स्टेप अप चला जाए तो डेल्टा जे प्लस वन होगा, और अगर मालिक्यूल एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से वन स्टेप डाउन हो जाए तो डेल्टा जे माइनस वन होगा। वाइब्रेशन, चूंकि अब हम इस रोटर को एन हार्मोनिक ओसिलेटर कंसीडर कर रहे हैं, एन हार्मोनिक ओसिलेटर का सिलेक्शन रूल डेल्टा वी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डेल्टा वी प्लस माइनस थ्री डेल्टा वी प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, यानी मालिक्यूल किसी भी वाइब्रेशनल लेवल से किसी भी हायर या लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जा सकता है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है। अगर मालिक्यूल में सिर्फ रोटेशन हो, वाइब्रेशन ना हो, इफ देयर इज ओनली प्योर रोटेशन एंड देयर इज नो वाइब्रेशन एट ऑल, देन डेल्टा वी को हम जीरो लेंगे। अगर सिर्फ रोटेशन हो, वाइब्रेशन ना हो, तो इसका मतलब है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा वी जीरो है। और अगर मालिक्यूल में सिर्फ वाइब्रेशन है, रोटेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये प्योर वाइब्रेशन का केस है। इसमें अब चूंकि रोटेशन नहीं हो रही, लिहाजा रोटेशनल क्वांटम नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा जे जीरो हो गया। वाइब्रेटर में अलबत्ता वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है, तो वाइब्रेशनल चेंज इज एकम्पनीड बाई साइमल्टेनियस रोटेशनल चेंज। अब वाइब्रेशनल चेंज के साथ साइमल्टेनियसली रोटेशनल चेंज भी होती है। अब हम एक और बात सपोज कर रहे हैं इनिशियली कि मालिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है, और जब मालिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में होते हैं तो उनका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़ीरो होता है। व्हेन एवर मालिक्यूल्स आर ग्राउंड इन ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, देयर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज ज़ीरो। वी की वैल्यू अब ज़ीरो है, और ये जहन में रखिएगा कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो भी हो तो भी वाइब्रेशन ज़ीरो नहीं होती, वाइब्रेशन नेवर सीजेस। अब मालिक्यूल वाइब्रेशनल क्वांटम वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है, जहां पर उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़ीरो है, और रोटेशनल क्वांटम नंबर को हम सपोज कर रहे हैं जे डबल प्राइम। रोटेशनल क्वांटम नंबर को हम ज़ीरो इसलिए नहीं ले रहे कि रोटेशनल क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है रोटेशन नहीं हो रही। तो लोअर वाइब्रेशनल लेवल को हमने ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल कंसीडर कर लिया, और लोअर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को ज़ीरो ले लिया, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर को जे डबल प्राइम ले लिया। जब मालिक्यूल जंप करेगा, हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, तो इसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी ज़ीरो से वी वन हो जाएगा, और इसका रोटेशनल क्वांटम नंबर जे डबल प्राइम से जे प्राइम हो जाएगा। यानी हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने जे प्राइम से शो किया, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर को जे डबल प्राइम से शो कर लिया, हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को वी वन से शो किया, और लोअर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को वी ज़ीरो से शो किया। तो मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम वी ज़ीरो एंड जे इक्वल टू जे डबल प्राइम टू वी इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू जे प्राइम। मॉलिक्यूल इनिशियली जिस स्टेट में है उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़ीरो है और रोटेशनल क्वांटम नंबर जे डबल प्राइम है। अब मॉलिक्यूल जंप करके हायर स्टेट में जाएगा तो उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वन हो गया और रोटेशनल क्वांटम नंबर जे प्राइम हो गया। तो अब एनर्जी चेंज कितनी आएगी, उससे हम कहेंगे डेल्टा ईटा जे वी, क्योंकि रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्वांटम नंबर लिखे जे वी। ये है एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, जहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने लिखा जे प्राइम और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को लिखा वी इक्वल टू वन, और ये ब्लैक में हमने लिखा है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने जे डबल प्राइम से शो किया और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को वी ज़ीरो से शो किया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सिक्स, ये देखें, ये इक्वेशन सिक्स है, ये इक्वेशन हमने आगे दोबारा लिख ली।
हेयर इक्वेशन 6 इज रिटन अगेन। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को ये देखेंगे, यहां पर हमने रोटेशनल एनर्जी को ब्लैक से लिखा था, वाइब्रेशनल एनर्जी को रेड से लिखा था। अब आप इस इक्वेशन 6 में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 पुट कर दें, क्योंकि पहले हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन 6 में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v की वैल्यू को यहां और यहां 0 पुट कर दें, और j की वैल्यू को यहां पर j डबल प्राइम पुट करें। तो ये इक्वेशन 6 जो है वो इस फॉर्म में आ गई। ग्राउंड स्टेट के लिए हमने जे को जे डबल प्राइम पुट कर दिया और वी को जीरो पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन 8 बन गई। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को 1 पुट कर दें, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को जे प्राइम पुट कर दें। तो ये हमने इंसर्शन कर दी, यहाँ पर जे को जे प्राइम कर दिया और यहाँ पर v को 1 कर दिया। ये इक्वेशन 9 हो गई। अब इक्वेशन 9 और इक्वेशन 8 में जो वैल्यूज हैं एक्साइटेड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये ई जे प्राइम वी 1 और ई जे डबल प्राइम वी 0, ये वैल्यूज अब हमने इक्वेशन 7 में पुट कर देनी है। और ये देखें इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 से हमने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक वाइब्रेटर की वैल्यूज को पुट कर दिया। दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को हमने रेड पुट किया और यहाँ पर उसकी वैल्यूज भी रेड ही लिखी, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को हमने ब्लैक से लिखा था और यहाँ पर उसकी वैल्यूज भी ब्लैक में पुट की। V को 1 कर दिया और ग्राउंड स्टेट में V को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट हम सिमिलर वैल्यूज को जिनके कोफिशेंट सेम होंगे उनको हम सेम कलर में लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो मॉलिक्यूल जंप कर रहा है फ्रॉम V इक्वल टू 0 एंड J इक्वल टू J प्राइम टू हायर वाइब्रेशनल लेवल वेयर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज 1 एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर इज जे प्राइम। अब हायर वाइब्रेशनल लेवल के लिए ये हमने वैल्यूज पुट की, हायर वाइब्रेशनल लेवल में वी की वैल्यू को 1 पुट किया, लोअर वाइब्रेशनल लेवल में वी की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। तो ये वैल्यूज हमारे पास यूं आ गई। जब आपने यहाँ वी को 1 पुट किया तो ये वैल्यू 3/2 हो गई और ये वैल्यू 3/2 का स्क्वायर हो गई। और जब आपने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को ग्राउंड स्टेट के लिए 0 पुट किया तो ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गई। लुक एट दिस। तो जहां पर कोफिशिएंट बी है उन फैक्टर्स को हमने रेड कर दिया, जहां पर कोफिशिएंट ओमेगा ई प्राइम बार है उसको हमने ब्लैक उसको हमने ब्लू कर दिया, और जहां पर कोफिशिएंट ओमेगा ई एक्स ई है वहां पर हमने उसको हमने ग्रीन कलर में लिख दिया। तो नाउ लुक एट दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये 3/2 का स्केयर ये हो गया एक्चुअली 9/4, और 1/2 स्केयर हो गया 1/4 नेगेटिव के साथ। अब ये जो नेगेटिव का साइन है इसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, ब्रैकेट खत्म कर दें, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने सेम कोफिशिएंट वाली वैल्यूज को एक जगह कर देना है। ये देखिए बी की वैल्यूज हमने कंबाइन कर दी, ये चूंकि नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन इस बी के स्टार्ट में है, ओमेगा ई वाली वैल्यूज ब्लू वैल्यूज कंबाइन कर दी, ग्रीन वैल्यूज कंबाइन कर दी। इसके बाद यहाँ पर रेड वैल्यूज में से हमने बी को कॉमन ले लिया, तो वी गेट दिस फॉर्म। यहां से आपने 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 1/2 ओमेगा ई बार, दिस इज इक्वल टू ओमेगा ई बार। 3/2 का मतलब है डेढ़ और 1/2 का मतलब है हाफ,
तो डेढ़ में से आपने हाफ निकाला तो वन बच गया, और वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दिस डिफरेंस, जो ब्लू वैल्यूज़ का डिफरेंस है ये ओमेगा ई बार, और ग्रीन वैल्यूज़ का डिफरेंस टू ओमेगा ई एक्स ई। 9/4 का मतलब है 2.25, और 1/4 का मतलब है चौथा हिस्सा। 9/4 मीन 2.25, और 1/4 मीन 0.25। तो 2.-2.25 में से हमने ऐड कर दिया 0.25, तो आंसर इज -2। अब ये जो ब्लू और ग्रीन फैक्टर तो हमने निपटा दिए, अब हमारा रेड पर हमारा कुछ ऑपरेशन हमारे और भी होंगे। ये जे प्राइम को आपने मल्टीप्लाई किया जे प्राइम से और वन से, तो ये जे स्केयर प्राइम या जे प्राइम स्केयर एंड जे प्राइम, और जे डबल प्राइम को भी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जे डबल प्राइम का स्केयर हो गया, ये जे डबल प्राइम। नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो यहाँ पर नेगेटिव आ गए और यहाँ भी नेगेटिव आ गया। ये ब्लू और ग्रीन फैक्टर अब एज इट इज़ रहेंगे टिल एंड। फिलहाल ये जो वैल्यू है हमारे पास दिस वन, इस वैल्यू को हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये इनको बेशक आप मल्टीप्लाई करके देख लें, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इन टू जे प्राइम प्लस जे डबल प्राइम प्लस वन, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन में यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वी गेट इक्वेशन 10। अब इस डायग्राम को देखें, ये जो पर्पल एरो साइन है यहाँ पर मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्स, ये देखें दो रोटेशनल लेवल वाइब्रेशनल लेवल दिखाए गए हैं, ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल वेयर वी इज जीरो एंड फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल वेयर वी इज वन। तो जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल के जे वन में है और वहां से जंप करके वो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल के जे जीरो में चला जाए, इसका मतलब है डेल्टा जे माइनस वन है। यहां पर जे की वैल्यू वन है और जब मॉलिक्यूल जंप करके हायर वाइब्रेशनल लेवल में गया वहां पर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है। सिमिलर ये पर्पल एरोस देखें, इसकी लेफ्ट साइड पर जो एरो है वहां पर जे की वैल्यू टू है, तो मॉलिक्यूल जिस रोटेशनल लेवल में है वहां जे की वैल्यू टू है, जब मॉलिक्यूल जंप करके हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो वहां पर इसके जे की वैल्यू वन हो जाती है, अगेन डेल्टा जी इज माइनस वन। इस थर्ड एरो में देखें जे की वैल्यू थ्री है और मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो जे की वैल्यू टू हो गई। इट मीन इन चारों एरो साइन में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि मॉलिक्यूल जब हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन हो जाती है। द डिफरेंस ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर, एक जहन में रखिएगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, अलबत्ता डिफरेंस ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर मे बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी माइनस वन का मतलब है कि मॉलिक्यूल जब हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर माइनस वन हो जाता है। अब ये रेड एरोज में आ जाएं, एक्सट्रीम राइट साइड पे मॉलिक्यूल का रोटेशनल क्वांटम नंबर है जे इक्वल टू थ्री, और जब मॉलिक्यूल जंप करके हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में चला गया तो रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया जे इक्वल टू फोर, इट मीन डेल्टा जे प्लस वन है। तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में गया तो डेल्टा जे की वैल्यू प्लस वन है, चूंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जे थ्री में था और यहाँ पर जे फोर में आ गया। इस एरो को देखें, यहाँ पर मॉलिक्यूल जे टू से जंप करके जे थ्री में जाता है, और ये यहाँ पर देखें मॉलिक्यूल जे वन से जे टू में जाता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो रेड एरो है उसमें मॉलिक्यूल
ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल के ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में है, और वहाँ से जंप करके जब वो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो वो साथ ही फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में भी चला जाता है। तो डेल्टा वी इज प्लस वन एंड डेल्टा जे आल्सो प्लस वन। ये पर्पल एरोज रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जे माइनस वन ट्रांजिशन को, रेड एरोज रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जे प्लस वन ट्रांजिशन को। तो जब डेल्टा जे प्लस वन होती है इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कहते हैं आर ब्रांच, जब डेल्टा जे माइनस वन हो तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कहते हैं पी ब्रांच। और अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के दौरान रोटेशनल लेवल चेंज नहीं करता, यानी वो ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में जिस क्वांटम नंबर के साथ है वो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में भी उसी क्वांटम नंबर के साथ रहे, तो इसका मतलब है क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो अब डेल्टा जे जीरो हो गई। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कहेंगे क्यू ब्रांचेस। अब पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं डेल्टा जे प्लस वन का, जिनको हमने आर ब्रांचेस कहा हुआ है। तो केस वन, केस वन इज फॉर आर ब्रांच। इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखें जरा। अब डेल्टा जे प्लस वन है, इसका मतलब है हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर माइनस लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर, इनका डिफरेंस प्लस वन का है। इट मीन जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस वन। इस इक्वेशन से अगर आप जे डबल प्राइम को इधर ले जाएं तो जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस वन। अब आप इक्वेशन 10 में जहाँ जहाँ जे प्राइम है वहाँ पर जे प्राइम, जे डबल प्राइम प्लस वन लिख लें। ये देखें, ये जे प्राइम की जगह हमने लिखा जे डबल प्राइम प्लस वन, और यहाँ पर भी हमने जे प्राइम की जगह लिख दिया जे डबल प्राइम प्लस वन। ये जे डबल प्राइम और ये माइनस जे डबल प्राइम कैंसिल हो गए, और इस साइड पे जे डबल प्राइम प्लस जे डबल प्राइम, ये हो गया टू जे डबल प्राइम, और वन प्लस वन टू। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, टू जे प्लस टू, चूँकि ये फैक्टर तो वन हो गया, ये वाला टू को आपने कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन इस फॉर्म में। और इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें, ये इक्वेशन हम 11 है, यानी ये वाइब्रेशन वाला फैक्टर स्टार्ट में लिख लिया, रोटेशन वाला फैक्टर बाद में लिख दिया, तो इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, ये इक्वेशन 11 है, एंड इट इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर ब्रांचेस। अब आ जाएं पी ब्रांचेस के लिए। अगर मॉलिक्यूल में डेल्टा जे, अगर ट्रांजिशन के दौरान डेल्टा जे की वैल्यू माइनस वन हो, माइनस वन का मतलब है कि मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में चला गया वाइब्रेशन के दौरान, इट मीन जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, ये डिफरेंस माइनस वन का हो गया, इसका मतलब है जे डबल प्राइम की वैल्यू अब जे प्राइम प्लस वन हो गई। दिस इज द स्टडी ऑफ पी ब्रांचेस। अब आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 10 में जे डबल प्राइम की वैल्यू को जे डबल वन पुट, जे प्राइम प्लस वन पुट करें, ये हमारे पास इक्वेशन 10 है, हमने यहाँ पर जे डबल प्राइम को जे प्लस वन पुट करना है। ये देखें, ये हमने इंसर्ट कर दी इस वैल्यू। अब ये फैक्टर माइनस वन हो गया और ये फैक्टर हो गया टू जे प्लस टू। ये देखिए, इस इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को अगर आप यूं लिख लें, टू कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन 12 है, इट रिप्रेजेंट्स पी ब्रांचेस। अब इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को कंबाइन अगर कर लें तो ये जहां पर आपके पास जे प्राइम प्लस वन है इक्वेशन 11 में, इक्वेशन 12 में, इक्वेशन 11 में जे डबल प्राइम प्लस वन और इक्वेशन 12 में जे प्राइम प्लस वन, इसकी जगह हम एम पुट कर रहे हैं,
m की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन 11 में m का मतलब है j डबल प्राइम प्लस वन। ये देखें इक्वेशन 11 में j डबल प्राइम प्लस वन की जगह हमने m पुट कर दिया, और इक्वेशन 12 में माइनस j प्राइम प्लस वन की जगह हमने m पुट कर दिया। इन इक्वेशन वन j डबल प्राइम प्लस वन इज इक्वल टू m, एंड इन इक्वेशन 12 माइनस j प्राइम प्लस वन इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू जब j डबल प्राइम प्लस वन है, ये है जब डेल्टा j की वैल्यू प्लस वन थी, और जब m की वैल्यू माइनस j प्राइम प्लस वन है तो डेल्टा j की वैल्यू माइनस वन थी। इट मीन जब डेल्टा j प्लस वन है, जब मॉलिक्यूल के रोटेशन, जब वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के रोटेशनल क्वांटम नंबर में इजाफा हो जाए तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर वाइब्रेशन के दौरान रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन m की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। m की वैल्यू ज़ीरो उसी सूरत में हो सकती है अगर j डबल प्राइम या j प्राइम में से किसी की वैल्यू माइनस वन हो जाए। यहाँ देखें, अगर j डबल प्राइम की वैल्यू माइनस वन हो तो m ज़ीरो होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वाइब्रेशनल रोटेशनल क्वांटम नंबर हो या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो, ये नेगेटिव नहीं होते, इनकी वैल्यू ज़ीरो से कम नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पर अगर j प्राइम को माइनस वन पुट करें तो यहाँ भी m की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो m की वैल्यू उसी सूरत में ज़ीरो हो सकती है अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन हो जाए। ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में किसी भी जगह पर अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन हो जाए तो m की वैल्यू ज़ीरो होगी, और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा m का ज़ीरो होना भी पॉसिबल नहीं है। तो m कैन नेवर बी ज़ीरो। फाइनल अगर m की वैल्यूज नेगेटिव हैं, अगर डेल्टा j की वैल्यू माइनस टू है, यानी अगर मालिक वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के रोटेशनल क्वांटम नंबर में टू स्टेप डिक्रीज हो जाती हैं, देन इस स्पेक्ट्रल लाइन को कहेंगे ओ ब्रांच। और अगर वाइब्रेशन के दौरान रोटेशनल क्वांटम नंबर में वन स्टेप डिक्रीज होती है तो इन ब्रांचेस को कहेंगे पी ब्रांचेस, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी उन्हें कहेंगे पी ब्रांच। और अगर वाइब्रेशन के दौरान रोटेशनल क्वांटम नंबर सेम रहता है, डेल्टा जे ज़ीरो हो, देन स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड क्यू ब्रांच। अगर वाइब्रेशन के दौरान रोटेशनल क्वांटम नंबर में वन स्टेप इंक्रीज हो तो देन स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड आर ब्रांचेस। और अगर वाइब्रेशन के दौरान रोटेशनल क्वांटम नंबर में टू स्टेप इंक्रीज हो देन स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड एस ब्रांचेस। अगर तो मॉलिक्यूल उसी वाइब्रेशनल लेवल में रहे देन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल क्वांटम रोटेशनल क्वांटम नंबर में प्लस माइनस की इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो ये इंक्रीज या डिक्रीज ज़्यादा भी हो सकती है, जो रियल केसेस हैं। रियल केसेस में डेल्टा जी प्लस टू प्लस माइनस टू ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर शायद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट लेक्चर हो, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।